कैसे सीएम साहब हो, असली पेपर भूल जाते हो, गलतियों पे गलतियां जो ऐसे करोगे, अरे लोग रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। आ कैसे सीएम साहब हो, असली पेपर। लड़कियों की एक ही कॉल में चले गए, फीस वाले पैसे सारे मॉल में चले गए। इस वक्त मैं झूला सेक्टर पर मौजूद हूँ और आप चेहरा देखकर पहचान गए होंगे, लपेटे में नेताजी, हाँ गौरव चौहान जी, इंटरनेशनल कवि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। गौरव चौहान जी और कई सारे अवार्ड से नवाजे गए हैं। गौरव चौहान जी अभी मुझे यहाँ पर मिल गए झूला सेक्टर पर झूला झूलते हुए। सर कैसा लग रहा है ग्वालियर? अद्भुत है, आप मुझे मिले और विवेक शर्मा जी को पहले भी मिले हैं, अच्छे एंकर हैं। और आज तो मैं एक्चुअली अगर किसी दूसरे शहर में हूँ तो लोग समझते कवि सम्मेलन की वजह से हूँ, लेकिन आज ग्वालियर में मेरे रिश्तेदारों के यहाँ शादी थी, साथ में मेरे बच्चे भी थे, तो बस। और सर 16 साल से ग्वालियर आ रहा हूँ कवि सम्मेलनों में, लेकिन आज तक ग्वालियर मेला मैंने भी नहीं देखा था। आपने भी नहीं देखा? हाँ, राज इंदौरी जी के साथ में वो लास्ट मुलाकात थी। हाँ जी जी मेरी। लेकिन अद्भुत है, सुना बहुत था कि ग्वालियर का मेला बहुत बड़ा है, लेकिन इस पूरे अंचल की एक धरोहर है ये मेला, जो साल भर में एक बार जब लगता है तो लोग अपनी सारी खुशियाँ परिवार के साथ अन्यत्र ना कहीं जाकर, मौसम इतना अच्छा होता है कि कड़क सर्दी में स्टार्ट होता है और जब सर्दी जा रही होती है तो ये मेला भी धीरे धीरे जा रहा होता है, लेकिन जाने से पहले कुछ रचनाएं हो जाएं। सर आज हमारे ग्वालियर वासी और YouTube पर जो 22 लाख लोग देख रहे हैं Facebook पेज पर ग्वालियर मेला महोत्सव प्रोग्राम को, हाँ, और YouTube पर 11.5 करोड़ लोग। अच्छा अच्छा, तो सर कुछ उनके लिए? मैं वैसे तो वीरस लिखता हूँ, देशभक्त लिखता हूँ, लेकिन ग्वालियर और जो हमारा पूरा परिक्षेत्र है, गालिब ऋषि की तपोभूमि है, भिंडी ऋषि की तपोभूमि है, और ये बुंदेलखंड रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगनाओं की धरती है, तो गर्व करना चाहिए हमें। और गर्व के लिए 4 पंक्तियां हैं कि कौन हैं हम लोग और कौन हैं आप हम, कि जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं हम ही, जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं, और समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा कि हमको गर्व है हम सब सनातन धर्म वाले हैं, कि हमको गर्व है हम सब सनातन धर्म वाले हैं। ग्वालियर राष्ट्रवाद की भूमि है, ग्वालियर सनातन वैभव की भूमि है, और विवेक शर्मा जी जैसे लोग जब तिलक लगाकर रुद्राक्ष पहनकर माइक लेकर ग्वालियर के मेले में लोगों से बात करते हैं तो लगता है कि सनातन का एक योद्धा लगा हुआ है और तमाम सनातनियों के वैभव को पूरी दुनिया को दिखा रहा है। तो विवेक जी आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दो लाइनें वीर रस की दर्शक सुनना चाहते हैं। हाँ, मैं अभी बागेश्वर धाम, मैं 3 दिन पहले बागेश्वर धाम था, वहाँ मेरा कवि सम्मेलन था और वो मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ, कन्याओं के विवाह में मेरा कवि सम्मेलन था, तो 4 पंक्तियाँ मैंने देश के लोगों से कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उन देशद्रोहियों को हमसे मिलकर 4 पंक्तियों में जवाब दे सकते हैं कि ऐसे टुकड़े नहीं होंगे भारत के, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता, और जो भारत के हैं दुश्मन वो लगा ले जोर कितना भी, बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता, बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत शानदार, और भारत माता की जय। और सर हम आपको भी सलूट करते हैं और हम बहुत धन्यवाद समझ रहे हैं अपने आप को, जी जी जी, क्योंकि आज हाँ लपेटे में नेताजी को तो ये लेते रहते हैं, चैनल पे आप देखते रहते हैं, न्यूज चैनल पर फौजदार प्रताप फौजदार जी के साथ में, जी जी जी, वो 6 साल लपेटे में नेताजी के मेरे शो के 6 साल पूरे हो गए हैं, 6 साल पूरे, हाँ, और मैं उसमें 173 एपिसोड कर चुका हूँ, हर शनिवार रविवार 8 बजे आप जरूर देखिए न्यूज 18 पर न्यूज 18 लपेटे में नेताजी, लपेटे में नेताजी आप देखिए, और मेला महोत्सव 2023 ये भी आप देखते रहिए, ग्वालियर मेला महोत्सव 2023।